के लिए राशन की व्यवस्था कराने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी के साथ आपूर्ति विभाग भी बड़े अधिकारियों से बेजोड़ मेहनत कर रहे हैं। लखनऊ में अपर जिला अधिकारी आपूर्ति से केन्यू संवाददाता ने खास बातचीत करी। उत्तर प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके राशन कार्ड भी ग्राम पंचायतों में बनाए जाएंगे, और हमारे साथ में बात करने के लिए जी आर डी पांडे सर हैं। सर, के न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरीके से क्या कुछ समस्या आ रही है, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से उनका जो है राशन कार्ड बनाया जाएगा, और क्या कुछ सुविधाएँ जो हैं आपके द्वारा जो है उन्हें मुहैया करवाई जाएंगी? जो भी बाहर से आ रहे हैं हमारे प्रवासी लोग, और जो यहाँ पर जो है लॉकडाउन के कारण जो है रुके हुए हैं, ऐसे कुल मिलाकर के 3500 लोग हैं लखनऊ शहर में, जिसमें कि लगभग 1700-1800 लोगों का पहले से ही उनके कार्ड बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनका नाम कार्ड में है, और जो उनका नहीं है उनका अस्थाई राशन कार्ड बनाया जा रहा है, और वो आज प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। 30 मई तक जो है उनको राशन जो नियमित वितरण होगा उसमें यूनिट वाइज उनको प्रति यूनिट 5 किलो के हिसाब से और एक एक कार्ड के हिसाब से 1 किलो चना वितरित किया जाएगा अग्रिम आदेशों तक। अभी तक तो जून तक का है, लेकिन फिर अगर सरकार आगे बढ़ाएगी तो आगे भी देंगे। सर, लगातार लेकर के कुछ ना कुछ शिकायतें आती रहेंगी, तो बड़ा जो लखनऊ का फील्ड है बड़ा है, क्योंकि शहरी भी है और ग्रामीण भी, इसमें किस तरीके से चुनौतियां होती हैं, क्योंकि काम करने आप लोग काम करते हैं फील्ड पे, जो लोग काम करते हैं उनको काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, तो किस तरीके से इसमें सुधार की आवश्यकता है और किस तरीके से आगे मॉनिटरिंग पे आप लोग ध्यान देते हैं? चूँकि कार्य ज़्यादा है और इसमें सहयोग की अपेक्षा रहती है, लेकिन कुछ लोग जो अपात्र होते हैं वो ज़्यादा अपना तेज़ी में रहते हैं, फार्म वगैरह भरते हैं, और जिस वजह से जो है पात्रों को छांटने में थोड़ा सा विलंब होता है और थोड़ा परेशानी भी होती है, लेकिन कुल मिला के हमारा उद्देश्य हम लोगों का ये होता है कि पात्र लोग ही उसमें आ पाएँ उस दायरे में, ताकि उनको लाभ मिले। तो जो भी शिकायतें होती है पात्रों का नाम न शामिल होने से लोग शिकायत करते हैं, वो लोग काफ़ी, तो उससे लगता है कि काफ़ी शिकायतें हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। रियलिटी में जो पात्र है उसको हम लोग ढूंढ करके और उसको फार्म वगैरह भरवा करके उसका काम हम लोग कर देते हैं। सर, अभी तक की कुल मिलाकर के अगर ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो थोड़ी बहुत समस्या भी आती हैं, कुछ जगह पे ऐसे भी निकल के आता है जहाँ पे जो है कोटेदार राशन नहीं दे रहा, इस तरह की भी शिकायतें आती हैं, जहाँ पे लगता है कि आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा कार्रवाई भी की है, कोटे सस्पेंड भी किए हैं, क्या कुछ अब उनको और निर्देश देना चाहते हैं आप के न्यूज़ के माध्यम से? कोठेदार तो राशन देगा ही, अगर नहीं देगा तो उतना उसका बैलेंस शो होता है, अब तो जो ई पास से वितरण होता है उसमें न देने का कोई मतलब ही नहीं है। ये है कि कहीं कोई शिकायत होती है जो है थोड़ा सा उसमें जानबूझ करके परेशान करने की, तो ऐसे कुछ चंद लोगों के खिलाफ हम लोग जो है कार्रवाई भी किए हैं और आगे भी अगर कोई शिकायत मिलेगी तो करेंगे। सर, ग्राम पंचायत शिवपुरी में एक छोटी सी शिकायत ये आई है कि जो कुछ लोग मुर्दे हैं उनको भी राशन जो है कोटेदार के द्वारा जो है हजम किया जा रहा है, तो ये आपके द्वारा शिकायत एक आई थी यहाँ पे, जिसको लेकर के जो है कुछ कार्रवाई भी थोड़ा बहुत की गई है, अब ये सामने शिकायत आई है तो अब क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाएगी और किस तरीके सर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? अभी तो मुझे संज्ञान में आप दे रहे हैं, इसकी मैं विस्तृत अलग से जाँच करवाऊँगा, और यदि जितना भी शिकायत की गंभीरता रहेगी उस हिसाब से उनको दंडित भी किया जाएगा, संबंधित को जो भी इसमें मिलेगा। तो आप थे हमारे साथ में अपर जिला अधिकारी, जिनका साफ तौर से कहना है, अपर जिला अधिकारी आपूर्ति हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो भी ये शिकायत आई है इस पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी, और निश्चित तौर पर उन लोगों जो दोषी लोग हैं उनको कार्रवाई के साथ साथ में उनको उनके ऊपर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। लखनऊ से के न्यूज़ के लिए सनी कुमार। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री